Hello students, welcome back to our next lecture on redox reactions. Next lecture, इस lecture में हम बात करेंगे बच्चों balancing of redox reactions की. Balancing हम दो तरीके से कर सकते हैं, by oxidation number method जो बहुत आसान है, बार बार करते आए हैं, और दूसरा method है half reaction method, right? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं oxidation number method क्या है. उसके rules पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. तो लेट अस क्विकली राइट डाउन द रूल्स. नंबर वन, यू हैव टू राइट डाउन करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो वी कैन जस्ट राइट आर एंड पी. ठीक, मतलब जो भी आपको केमिकल नेम दिया गया है उसका प्रॉपर केमिकल फार्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गलत होगा तो डेफिनेटली आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नंबर टू, आइडेंटिफाई एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन रिएक्शन. ठीक, बैलेंस इन स्टेप नंबर थ्री, बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नंबर फोर, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग species undergoing oxidation and reduction. Species से मतलब है जिस atom को हमने identify किया है कि जिसकी oxidation reduction हो रही है उसका molecule क्या है, उस पूरे molecule को ही आपको balance करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये reaction की example देखेंगे तो clear हो जाएगी. Balance all other atoms except hydrogen to balance and oxygen. To balance oxygen, add water on opposite side. To balance hydrogen, add H positive ions on opposite side. In acidic medium, अगर reaction acidic medium में हो रही है तो आपको opposite side पे जितने water के hydrogen balance करनी है उतने H positive ions लगाने हैं. Number eight, if to balance hydrogen, add OH negative ions on opposite side in basic medium. Not just opposite side, अगर hydrogen को balance करना है या बताया जाता है कि basic medium में है तो जितने आपको हर step पे H positive ion तो add करना ही है. Now hydrogen को balance करने के लिए H positive ion जितने लगाए हैं, add OH negative ions on both sides to in a basic medium equal to H positive ions. So these are the simple rules जिनको हमने follow करना है. ठीक, सबसे पहले formula ठीक लिखिए, फिर कौन से atoms में oxidation reduction हो रही है उन्हें identify कीजिए, फिर जिन atoms में oxidation reduction हो रही है उन atoms को balance करना है, फिर उन species के charges को balance करना है, and then हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को बैलेंस कर दीजिए. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है ऑन द ऑपोजिट साइड, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एच पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं ऑन ऑपोजिट साइड इन एसिडिक मीडियम, और अगर बेसिक मीडियम है तो ओ एच नेगेटिव आयन दोनों साइड पर डालने हैं उतने ही जितने कि एच पॉजिटिव आयंस होंगे. चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, हमें ये बैलेंसिंग और अच्छे से समझ में आएगी. लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम नंबर 8.8.
Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate with sodium sulfide in acid solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion. यहाँ उसने बोला है क्रोमियम इन रोमन में लिखा है एंड दिस इज वॉट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. डाइक्रोमेट में 6 किया है यानी ये भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है इन पोटाशियम डाइक्रोमेट. क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले भी दे दिए हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट के फॉर्मूले भी आपको बता दिए हैं, वो आपने अब रिएक्शन लिखना है. सो देखते हैं कैसे हम रिएक्शंस को लिखेंगे. सो हमारे पास गिवन है पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस Na2SO3 गिव्स अस क्रोमियम 3 प्लस आयन की बात कर रहे हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन. क्रोमियम 3 प्लस है तो पक्की बात है सल्फेट आयन भी बनेंगे, कुछ तो बनना ही है. K2SO4 बनेगा और सोडियम के साथ क्रोमियम का कॉम्बिनेशन बनेगा. अब क्योंकि हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर्स देखने हैं तो पूरा फॉर्मूला हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे आयनिक फॉर्म में ले लेते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग यू टू गिव अस द आयनिक इक्वेशन. तो Cr2O7 पोटाशियम को हटाएंगे तो वी कैन राइट 2-, क्योंकि पोटाशियम क्या दे रहा है के पॉजिटिव इंटू टू, टू आयन दे रहा है तो 2- आ गया. Na2 सो यहाँ भी क्या दे रहा है SO3 2- आयन, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है. अब आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना है आपको कि किन किन एटम्स की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है. तो उसके लिए हमें डेफिनेटली ऑक्सीडेशन नंबर्स पता होना चाहिए बिकॉज वी आर डूइंग द ऑक्सीडेशन मेथड. तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है यहाँ क्या है, 7 × 2 = 14. तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए यहाँ. लेट अस जस्ट डू द रफ वर्क ओवर हियर. 2x प्लस -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6, वो भी कौन सा प्लस. सिमिलरली सर्फल का देख लेते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +4 फॉर सल्फर. सो क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, सल्फर का है यहाँ पर +4. सो यहाँ पे +3 गिवन है, यहाँ देखें क्या होगा, 4 × 2 = 8 -2 = 6, तो 6 ये आ गया आपकी +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यहाँ पे अब हमने मार्क करना है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है. तो देखिए +6 से +3 पे जा रहे हैं, तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिडक्शन कितने फैक्टर से हो रही है, 6 से हम 3 पे आए हैं तो 3 का फैक्टर है, -3 हो रहा है. और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो देखिए यहाँ हुई आपकी ऑक्सीडेशन, फैक्टर कितना है +2 का, 4 से हम 2 की 6 की तरफ गए हैं तो 4 बढ़ रहे हैं, यहाँ 3 कम हो रहे हैं. वी हैव आइडेंटिफाइड आर एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर. अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या था, आइडेंटिफाई एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन. तो चलिए एटम्स को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को एक बार फिर लिख लेते हैं, एक में ही नहीं सब करेंगे. Cr2O7 प्लस SO3 2- गिव्स अस Cr3 प्लस SO4 2-. अब देखो यहाँ क्रोमियम के एटम कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, सो वी नीड टू बैलेंस दिस क्रोमियम एटम, हम यहाँ 2 बैलेंस कर दिया. सल्फर 1 सो यहाँ हमने वी हैव बैलेंस्ड एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट. इसको आप नोट कर लें. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया. अब देखो यहां से हम गए थे, दोबारा देख लेते हैं एक बार, यहां हुई थी रिडक्शन, अभी इसमें रिडक्शन हो रही थी +3 की, -3 की है ना, 3 नीचे जा रहे थे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +6, इसका है +3, तो वी आर रिड्यूसिंग. और यहाँ पे देखो प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा था +2 का. नाउ
हमें ये देखना है कितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ दी आयन्स एक्सचेंज्ड, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 2 × 3 6 का चार्ज है, यहाँ पे देखो 2 × 3 6 का चार्ज है, और यहाँ पे कितना था, सिर्फ 2 का चार्ज डिफरेंस हो रहा था। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा ऑन बोथ दिस साइड। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो इसके पास -3 था, हमने 2 किया ऐड, तो 2 × 3 6 हो गया, इसके पास +6 का ऑक्सीडेशन नंबर था, +6 यहाँ +6 यहाँ हो गई मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ -2 है यहाँ भी -2 है, देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ +4 से हम +6 पे जा रहे थे। अब देखो 3 × 2 6 3 × 2 6 यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी +6 हो गए और नेगेटिव भी, कटायन भी 6 और अनायन भी 6 हो गए। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप जहाँ हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। सो वी हैव टू बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और कन्फ्यूजिंग भी है, यहाँ हमें हमेशा परेशानी आती है, सो इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। सो अब हमने चार्ज बैलेंस कर दिया उन एलिमेंट्स का जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी, लेकिन अगर हम टोटल आयनिक चार्ज को देखें तो वो बैलेंस नहीं है। कैसे, देखो कार्बन ऑक्सीजन के पास कितने एलिमेंट्स एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 7, 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 3 × 3 = 9 × 2 = 18 +18 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, क्योंकि हमने तो अभी सल्फर को और क्रोमियम को बैलेंस किया है ना, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखें इसमें कुछ नहीं, 4 × 3 = 12 × 2 = 24 तो यहाँ कितने हैं 24 इलेक्ट्रॉन। वॉट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 लेस हैं, है ना, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मुझे कम करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कम करने के लिए व्हाट यू विल डू, टू रिड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ऐड एच पॉजिटिव आयन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ एच पॉजिटिव ऐड कर दो, कितने ऐड करोगे 8, सो यू विल राइट, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज रिएक्शन इज गिवन इन इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें H पॉजिटिव आयन ऐड कर दी, गिव्स अस 2Cr2 3 प्लस प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, बोलो ठीक। अब हमारा काम खत्म हो गया, बहुत आसान हो गया, अब 8H पॉजिटिव ऐड हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना क्योंकि बाकी सब तो बैलेंस हो गए, तो लेट अस लुक 7 और 9 कितने हो गए 16 एटम्स ऑक्सीजन के, यहाँ कितने हैं 12, सो इट मीन्स इन स्टेप नंबर 5 में हमें बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो वी कैन स्किप स्टेप नंबर 5 विच वॉज बैलेंस ऑल अदर एटम्स, यहाँ पे क्रोमियम और सल्फर के अलावा कोई और है नहीं, सो लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 6। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 + 9 = 16 ऑक्सीजन एटम, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं 12। सो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने हो गए 12 और 4 16, यहाँ 16 एटम्स हो गए, सो लेट अस डू दैट, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स अस 2, Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O, बोलो ठीक। अब लास्ट में स्टेप आता है, दैट इज टू बैलेंस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, हमने दोनों तरफ देख लेना, जहां हमें लगेगा हाइड्रोजन कम है
उसके ऑपोजिट उस साइड के ऊपर हमने एच पॉजिटिव को ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ देख लेते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयन। तो देखें यहाँ कितने 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने 4 2 8, सो इट इज़ बैलेंस्ड। सो वी कैन से दैट Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस एट 8H पॉजिटिव गिव्स अस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। दिस इज माई बैलेंस्ड रिएक्शन। सिमिलरली जरा प्रॉब्लम नंबर 8.9 देखते हैं। परमैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम, अब बेस मीडियम चेंज हो गया, टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन। राइट द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। तो हमें पूरे मॉलिक्यूल नहीं ले रहे, अगेन वी हैव टू टेक आयन्स। सो लेट अस लुक एट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द आयन्स। ही सेज वी हैव टू यूज पोटाशियम पर मैग्नेट आयन। हमें पता है के एम एन ओ फोर पोटाशियम पर मैग्नेट होता है, सो वी हैव टू जस्ट पिक द पर मैग्नेट आयन। सो ये हो गया एम एन ओ फोर नेगेटिव, ठीक। देन ही सेज रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन का हमें पता है क्या होता है, बी आर नेगेटिव। दिस ऑल आर इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसने बोला है कि इसमें बेसिक मीडियम में, सो दिस इज अ, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपने लिए बेसिक मीडियम, ठीक। दिस गिव्स अस मैगनीज डाइऑक्साइड यानी कि एम एन ओ टू एक्वस, एक्वस नहीं होता, एम एन ओ टू सॉलिड होता है, प्लस इट गिव्स अस ब्रोमेट आयन। ब्रोमेट आयन होता है बी आर ओ थ्री नेगेटिव, दैट विल बी द एक्वस सॉल्यूशन। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि एम एन ओ टू सॉलिड है। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर वन था बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना, हमने लिख दिया। स्टेप नंबर टू क्या है, चलिए यहाँ मार्क कर लेते हैं। स्टेप वन एक रिएक्शन लिख ली जिसमें हमने फॉर्मूले सही लिखे। स्टेप नंबर टू में आइडेंटिफाई कीजिए किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो चलिए देखते हैं, 4 × 2 8 − 1 7, सो इसका मतलब मैगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 7, यहाँ पे क्या है प्लस 4, 2 × 2 4। ब्रोमाइड का लिखा है माइनस 1, यहाँ पे लिखा है आयन का माइनस 1, तो 3 × 6 − 1 प्लस 5। इसका मतलब हम ध्यान से देखें, सो मैगनीज की हो रही है रिडक्शन किससे, 3 फैक्टर से, और ब्रोमाइड आयन की हो रही है ऑक्सीडेशन किस फैक्टर से, प्लस 6 से। कैसे, माइनस 1 से जा रहे हैं, सो माइनस 1 से पहले 0 पे आओगे, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन इज बाय 6। हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया, वी हैव आइडेंटिफाइड किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बैलेंस एटम्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो Mn1 Mn1, ओके, ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 1, एटम्स आर बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है हमें, बैलेंस चार्ज ऑन एटम्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, राइट। तो देखिए यहाँ माइनस 3 है, यहाँ प्लस 6 है, इसका मतलब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ प्लस 6 का चेंज है या माइनस 3 का चेंज है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेफिनेटली 3 को 6 बनाना है, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रोमीन को नहीं करना, पूरी इक्वेशन को नहीं करना, ओनली MnO4 एंड MnO2 एक्वस इन बेसिक मीडियम गिव्स अस 2MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 नेगेटिव। ऑलराइट, नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, बैलेंस चार्ज
बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि और कोई है नहीं, ऑक्सीजन को हमने करना नहीं, मैग्नीज और ब्रोमाइड दो ही आयंस हैं। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज का मतलब मैग्नीज का हम कर चुके, ब्रोमाइड का कर चुके, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। 4 2 8 एंड देन यहाँ पे कितना है, देखिए बैलेंस करना है चार्ज को। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लुक एट इट। दूसरा मेथड है चार्ज बैलेंसिंग के लिए आपको जो ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे क्या है 2 और इस पूरी स्पीशी पे क्या चार्ज है माइनस का। सो बैलेंस टोटल कितना हो गया, माइनस 2 नेगेटिव। यहाँ देखिए कितना है, ये ब्रोमीन है उसके ऊपर एक चार्ज है प्लस माइनस 1। सो माइनस 2 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, माइनस 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड पे, ये तो न्यूट्रल स्पीशी है इसका 0, प्लस इस पे कितना चार्ज है माइनस 1। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस, ये है माइनस 3 ये है माइनस 1, कितना ऐड किया जाए कि ये दोनों ये माइनस 3 के बराबर आ जाए या इसको माइनस करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में हमें मिलता है ओ एच नेगेटिव आयन, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कैसी मिलती है नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑन दिस साइड अगर मैं 2 ओ एच नेगेटिव को ऐड कर दूं तो मेरा बैलेंस हो जाएगा चार्ज 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव। जस्ट यही हमने करना है। तो देखिए 2MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस Br नेगेटिव एक्वस गिव्स अस 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, कितने 2, 2 OH नेगेटिव ऐड कर दिए, करेक्ट। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। लेट अस लुक एट हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो गया 2 2 4 8, 2 2 4 प्लस 3 एंड प्लस 2। इसको फाइनली बैलेंस करने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन को यहाँ से बैलेंस कर लेना है। कितने ऐड करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव एक्वस प्लस 1H2O। क्यों, टू एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन मिलते हैं इसलिए 1H2O ऐड किया, गिव्स अस 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो देखें इज इट बैलेंस, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 2 2 4 8 एंड 1 9, 2 4 8 2 2 4 एंड 3 7 एंड 2 9। उसके बाद ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द ऑक्सीडेशन मेथड टू बैलेंस रिएक्शंस। आपको कुछ रिएक्शंस देते हैं, ट्राई टू बैलेंस दोज रिएक्शंस। लेट अस टेक FeCl3 प्लस H2S gives us FeCl2 plus S plus HCl. Balance कीजिएगा इन reactions को by oxidation method. Cr2O7 2 negative, ये हम already कर चुके हैं। बिना sheets को देखे, notes को देखे इनको balance करने की कोशिश कीजिएगा, और आप इसको one step में कर पाएंगे अगर आपने practice कर ली तो। Zn plus HNO3 gives us ZnNO3 twice plus NH4NO3 plus water. एक और लिख लेते हैं, Cu plus HNO3 gives us CuNO3 twice plus NO2 plus H2O. इन चारों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा इस मेथड से। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, दैट इज दी रिडक्शन, इज दी हाफ रिएक्शन मेथड। जिसे हम आयन मेथड भी कहते हैं। अक्सर इस मेथड से एक पेपर में आती है रिएक्शन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसके भी रूल्स देखते हैं, काफी रूल्स आपको सेम मिलेंगे बच्चों। सबसे पहला, राइट दी आयनिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये तो सिंपल पहले वाले की तरह ही है। राइट दी आयनिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, रूल नंबर 1। नंबर 2, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग
oxidation and reduction. नंबर थ्री, ये इंपॉर्टेंट है, यहां चेंज हो जाएगा. नाउ ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स. कौन कौन से? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. ठीक, यहां तक नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं. रूल नंबर फोर, बैलेंस द हाफ इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नंबर टू, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द डेफिशिएंट साइड. जहां ऑक्सीजन कम है उस तरफ वाटर को ऐड कर देंगे. नंबर थ्री, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयन. करेक्ट. नंबर फोर, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. यहां देखिए, वहां हमने किया था बैलेंस चार्ज बाय एडिंग एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव आयन अकॉर्डिंग टू एसिडिक और बेसिक मीडियम. यहां हम कर रहे हैं बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर इलेक्ट्रॉन या चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज लेस और पॉजिटिव चार्ज इज मोर. जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां उनको ऐड नहीं करना है. ठीक है, जहां डेफिशिएंट होंगे डेफिनेटली वहां ऐड करेंगे. नंबर फाइव, ऐड द टू हाफ्स सच दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ्स gets cancelled, right? Next में क्या करना है आपने, for basic medium add as many OH negative ion to both side. वहां क्या किया था हमने, एक साइड पे ऐड किया था जहां चार्ज बैलेंस करना था. बेसिक मीडियम में क्या करना है, इन केस ऑफ हाफ रिएक्शन दोनों तरफ ऐड कर देना है, टू बोथ साइड एज मैनी एच पॉजिटिव आयन्स वर एडेड टू वन साइड. जितने एच पॉजिटिव डाले थे उसको बराबर कर दीजिए, उतने ही ओएच नेगेटिव आयन दोनों तरफ लगा दीजिए. जैसे चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल है आपके पास Fe2+ इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O7 नेगेटिव गिव्स अस Cr3+ एंड Fe3+. सो ये तो हमने बैलेंस रिएक्शन लिख लिया इन आयनिक फॉर्म. अब हमने यहाँ देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन. वेरी क्विकली वी कैन सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम +6 to +3, इसका रिडक्शन, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम +2 to +3, इसका ऑक्सीडेशन. आइडेंटिफाई हो गया. स्टेप नंबर टू में क्या करना है आपने, इन दोनों को अलग अलग कर देना, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ अलग और रिडक्शन हाफ अलग. तो चलिए लिख लेते हैं, Fe2+ गिव्स अस Fe3+. दिस इज माय ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में Cr2O7 नेगेटिव गिव्स अस Cr3+. बोलिए ठीक, दिस इज द रिडक्शन हाफ. हो गया स्टेप नंबर टू, हाफ ऑफ कर लिए.
हाफ करने के बाद हमें क्या करना था, हमें बैलेंस करनी है रिएक्शंस, यानी कि एटम को, ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लो। सो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 3 में देखिए। इसमें तो कुछ भी बैलेंसिंग नहीं करनी क्योंकि आयरन आयरन एक ही एटम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। तो देखिए Cr2O72- का क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ Cr3+, क्योंकि दो एटम्स बनने चाहिए थे। सो वी हैव बैलेंस्ड एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन आपका देखोगे तो वहाँ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, बैलेंस करना है हाइड्रोजन आयन्स बाय एडिंग एच पॉजिटिव। हाइड्रोजन यहाँ है नहीं अभी, तो वी आर नॉट गोइंग टू एड हाइड्रोजन ओवर हियर। नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 7 है यहाँ पर और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपके पास कितना बन गया, 2 क्रोमियम ओवर हियर, 7 दूनी 14, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल हैव 7 वाटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डेफिशियंट साइड। Cr2O72- गिव्स अस 2Cr3+, कौन सी साइड डेफिशियंट है, राइट हैंड साइड। सो यहाँ क्या ऐड करोगे, 7H2O, क्योंकि 7 ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, बैलेंस हो गई, बैलेंस ऑक्सीजन। नाउ अब क्योंकि ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो व्हाट यू विल डू, 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने की कर दी हमने बाय एडिंग वाटर। हाइड्रोजन कितने ऐड करोगे, अब यहाँ 14 हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, सो Cr2O72- प्लस 14H+ गिव्स अस 2Cr3+ प्लस 7H2। बोलिए ठीक, आप इसको नोट कर लें फिर हम आगे चलेंगे। सो वी हैव बैलेंस्ड हाइड्रोजन ऑल्सो, लेकिन देखिए चार्ज ऑन द स्पीशीज इज नॉट येट बैलेंस्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। सो वी हैव आर रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं, Fe2+ गिव्स अस Fe3+। यहाँ पे डिफरेंस तो एक का ही है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, देखो 3 2 6। तो यहाँ क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करना कैसे है, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लूज कर रहे हैं, -1 हो रहा है तभी तो हो रहा है, इसका मतलब -1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मुझे वापस करना है कम। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो व्हाट विल आई गेट, 6Fe2+ 6Fe3, क्योंकि 1 माइनस हो रहा था, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिला, 6Fe2+ गिव्स अस 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ कितने हैं आपके पास, डेफिशिएंसी कितनी है, यह है 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 का चार्ज है प्लस में, और यहाँ क्या है, 12 है प्लस में। अब इस 18 को मुझे 12 में कन्वर्ट करने के लिए 6 नेगेटिव चार्ज ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो आ गया 12 के बराबर। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ कैसा हो जाएगा, ये वाला। रिडक्शन हाफ में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, 6+6 था, हम +3 पे आए थे, इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे, यानी अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस 2Cr3+ प्लस 7H2O एंड दिस इज आर रिडक्शन हाफ। अब हमने स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो 6Fe2+ प्लस Cr2O72- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस 2Cr3+ 7H2O प्लस 6Fe3+
प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सिक्स और सिक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिक्स एफ ई टू प्लस सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव प्लस फोर्टीन एच पॉजिटिव गिव्स अस टू सी आर थ्री पॉजिटिव सेवन एच टू ओ प्लस सिक्स एफ ई थ्री प्लस। करेक्ट। अब हमने क्या करना है, एच पॉजिटिव आयन जो हैं, मान लीजिए यहीं पर आपको कह देते हैं कि ये रिएक्शन जी एसिडिक में नहीं है, बेसिक में हो रही है, आप क्या करोगे, इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू बेसिक फॉर बेसिक मीडियम, हमने क्या करना था, सिक्स एफ ई टू प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव प्लस फोर्टीन एच पॉजिटिव गिव्स अस टू सी आर थ्री प्लस सिक्स एफ ई थ्री प्लस सेवन एच टू ओ। हमने यहाँ क्या करना है बच्चों कि दोनों डायरेक्शंस में ओ एच नेगेटिव उतने ही ऐड कर दो जितने कि एच पॉजिटिव ऐड किए थे, तो हम यहाँ करेंगे प्लस 14 ओ एच नेगेटिव यहाँ प्लस 14 ओ एच नेगेटिव यहाँ हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो 14 एच प्लस और 14 ओ एच नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, 14 एच टू ओ। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन क्या होगी, सात पानी के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड पे हैं, 14 रिएक्टेंट पे हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, सिक्स एफ ई टू प्लस सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव प्लस 14 में से 7 गए, 7 बच गए, 7 एच टू ओ गिव्स अस सी आर थ्री प्लस सिक्स एफ ई थ्री प्लस प्लस अब क्या बचा, सिर्फ 14 ओ एच नेगेटिव, देखिए एच पॉजिटिव हट गया, सो इट हैज़ बिकम द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम नाउ। सो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो एसिडिक की तरह करके आप उसको बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो आप इसको नोट कर लीजिए और हम एक एग्जांपल और करते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू अस हाउ टू बैलेंस बाय हाफ रिएक्शन मेथड और आयन मेथड। सो वी हैव 8.10 प्रॉब्लम नंबर 8.10 पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव इन बेसिक सॉल्यूशन, याद रखिएगा बेसिक सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइजेस टू आयोडाइड आयन टू प्रोड्यूस ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन I negative to produce a molecular iodine and manganese dioxide. Write a balanced ionic equation to represent this redox reaction. So हमें उसने बोला है we have permanganate ion. Permanganate ion क्या होते हैं? MnO4 negative. Plus he says iodide ion is being oxidized to iodine 2 plus MnO2. राइट तो ये हमें वहाँ गिवन है, वी नो MnO2 विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट, सॉलिड है, एंड आयोडीन जो है वो भी सॉलिड रहता है, ठीक है, ये आयन आपके एक्वस सॉल्यूशन में है एंड ही हैज गिवन दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब हम स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे, अब आप समझ गए हैं कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर्स, 4 to the 8 minus 1 7, सो इट इज़ प्लस 7, यहाँ कितना हो गया, 2 to the 4, सो इट इज़ प्लस 4, प्लस 4 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे माइनस 1, सो वी कैन आइडेंटिफाई विच इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड बाय 3 and we know this is getting oxidized by 1, minus 1 से हम 0 पे आ रहे हैं, so oxidation by 1, right, next step में हमने क्या लिखना है, oxidation half और reduction half को separate करेंगे, तो चलिए, I negative is being oxidized to I2, this is my oxidation half, MnO4 negative is being reduced to MnO2. This is my reduction half. कितने फैक्टर से हो रहा था, प्लस 1 से, तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले एटम को बैलेंस करना है, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं, 2 एटम, मैगनीज मैगनीज दोनों बैलेंस्ड हैं, सो वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट, ठीक, ये हमारा स्टेप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या बैलेंस करना था, यहाँ चार्ज है ना,
अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया, यहाँ और कोई एटम है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो वी विल गो टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने देखा, इस रिएक्शन में देखें अगर, और तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन द डेफिशिएंट साइड। सो इस रिएक्शन को फिर लिख लेते हैं, MnO4 नेगेटिव गिव्स अस MnO2। अब यहाँ 2 नहीं लगाना बिकॉज मैग्नीश मैग्नीज तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है या 4 है या 2 है, तो वी विल ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल टू दिस साइड टू बैलेंस ऑक्सीजन, राइट। अभी ऑक्सीजन बैलेंस होगी, मैग्नीज बैलेंस्ड है, आयरन आयोडीन बैलेंस्ड है, अब देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन आ गए, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखिए यही फ़र्क है आपका ऑक्सीडेशन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड में, कि वहाँ पे बैलेंसिंग सिर्फ एच पॉजिटिव या OH नेगेटिव से होती है, यहाँ पे दोनों से हो रही है। सो दिस इज़ टू बैलेंस ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को देख लें एक बार कि इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एक बार फिर से अपना ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, -2 है और यहाँ पे 0 है, NmO4 नेगेटिव गिव्स अस MnO2। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है हमने, इसका मतलब यहाँ -1 से 0 पे आ रहे हैं, यानी कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए +7 से +3 पे आए थे, सो इसका मतलब देयर वॉज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को। सो लेट अस बैलेंस इट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, MnO2, और यहाँ पे आपके पास है ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन वाटर ऑल्सो नाउ, है ना। सो इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो व्हाट यू विल गेट, 6 आयोडीन नेगेटिव गिव्स अस 6 I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स अस 2 MnO6 2 MnO2 प्लस माइनस -6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 आयोडीन गिव्स अस 6 आयोडीन प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2O, और हमने ऊपर ऐड किए थे यहाँ पे 4H पॉजिटिव आयन्स भी, तो उसको भी लिख लेते हैं, 4H पॉजिटिव 8H पॉजिटिव हो जाएंगे, सो यहाँ पे भी 8H पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे, करेक्ट। अब हमने 8 द रिएक्शन वॉज इन बेसिक मीडियम, अगर आपको याद हो रिएक्शन वॉज इन बेसिक मीडियम, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू OH नेगेटिव आयन्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट स्टेप में ऐड करेंगे हम OH नेगेटिव आयन्स उतने ही जितने कि हमने H पॉजिटिव आयन्स को ऐड किया है, सो 8 H पॉजिटिव किए थे तो 8 ही OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे ऑन बोथ दी साइड्स, इससे होगा क्या, ये 8 H पॉजिटिव और 8 OH नेगेटिव तो वाटर बना देंगे, तो 8 पानी के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड पे, 4 प्रोडक्ट साइड पे तो कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव था ये, प्लस 6 I नेगेटिव प्लस 4H2O, क्योंकि ये 8 बनेंगे, 8 में से 4 गए 4, गिव अस 6 I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। सो दिस इज गोइंग टू बी आर फाइनल इक्वेशन, यहाँ पे इट विल बी
3 not over here 6 because हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था 3 से सो इट इज़ गोइंग टू बी 3 ओवर हियर 3 ओवर हियर 3 ओवर हियर एंड करेक्शन ऑफ 3 ओवर हियर सो 3I2 सो 2MnO4 नेगेटिव 6 आयोडीन आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स अस 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स 2MnO2 एंड 8OH नेगेटिव दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन with the balanced charge. This is how we have to use the balanced half reaction balancing method in redox. With this we come to an end of the lecture, today's lecture, or next lecture mein hum baat karenge titration and applications of the redox reactions ki. So till then, take care and keep smiling.